खिलाएंगे। ये देखिए दस्तरखान के हिसाब से इन्होंने पूरा बनाया हुआ, यहाँ पे 6 से 8 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, पूरी इन्होंने कोजी सीटिंग दी है। देखिए आ जाए यहाँ पे, यहाँ 3 पोर्शन। खमीरी की खुशबू आ रही यार, मतलब आप यकीन माने मेरे को अभी जोधपुर में प्रॉपर खमीरी मैंने कहीं नहीं खाई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल खवातीन हजरात, मैं हूँ शादाब अली सैयद और आप देख रहे हैं शादाब टॉक्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग आपको लेके जाएंगे एकदम नई रेस्टोरेंट अभी खुली नॉनवेज की, वो भी, और वो लोग क्या कर रहे हैं, थाल सर्व कर रहे हैं, मतलब प्लेटर, बड़े सा प्लेटर है उनके पास में, 3 टाइप के प्लेटर्स हैं, चाइनीज़ है उनके पास में, रोस्टेड वाला भी प्लेटर है, बहुत बड़ा मेन्यू है। आज हम लोग जाएंगे दस्तरखान के नाम से एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, जो कि डालीबाई का मंदिर जैसलमेर बाईपास जो रोड है वहाँ पे, लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से नेविगेट कर सकें। राइट में हम लोग टर्न करते हैं और ये इनके देखिए सर्वोदय ग्रीन्स, और इसके अंदर जो रेस्टोरेंट है वो दस्तरखान के नाम से इन्होंने स्टार्ट किए। तो चलिए सीधा वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के अपन बात करते हैं। बस सारी फैमिली भी आ रही है, एकदम पैलेस एकदम पास में इनका है, ये देखिए सर्वोदय ग्रीन्स के नाम से, दूर से आपको दिख जाएगा यार। और चलिए अंदर चलते हैं और इनका दस्तरखान जो रेस्टोरेंट, देखिए दस्तरखान का इन्होंने बोर्ड बार लगाया हुआ है, थोड़ा सा इसमें लाइटिंग नहीं है तो दिख नहीं रहा होगा। तो देखिए ये हम लोग यहाँ आ गए, अब यहाँ हम लोग ट्राई करें, लोग यहाँ दस्तरखान पे आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको इनकी लोकेशन दोबारा बता दी, फिर भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि इनकी लोकेशन कहाँ पे। चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो ओनर है उनसे बात मुलाकात करते हैं। और फिलहाल हमारे साथ में नईम भाई है। नईम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, सब खैरियत है? क्या जबरदस्त रेस्टोरेंट बनाया आपने तो यार, थैंक यू सर। ये बार क्या अपन क्या अपन क्या शादी और पार्टीज के लिए भी थे? डिस्कस कर रहे हैं सर। जी जी ठीक है, अपना परमानेंट स्टेज लग रहा है यहाँ पर। जी जी ठीक है, यहाँ पर अपना आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ शादी के रखेंगे, अपने सारी सेटिंग आएंगी सारी, और सामने अपना स्टेज बन रहा है, अपना परमानेंट स्टेज लगा रहा है जी। अच्छा परमानेंट रहेगा, ये बताओ कि जैसे अपन यहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो कितने लोग अपन यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं? कम से 700 से 800, मतलब 700-800 आराम से कर सकते हैं। इसके साथ में आप उनको रूम भी प्रोवाइड करते हैं? कितने रूम है अपने यहाँ पे? टोटल 10 रूम्स है सर। 10 रूम्स हैं, क्या बात है, मतलब 700-800 लोग आप आराम से यहाँ पे पार्टीज और सब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रेस्टोरेंट तो इनकी है ही अलग से, लेकिन उसके साथ में आपको ये जो अगर कोई पार्टी होगी तो 10 रूम आपको ये साथ में देंगे। चले अपन देखते हैं। देखिए लॉन्स कितनी बड़ी इनके पास, काफ़ी बड़ी लॉन है, साथ में टेंट भी है, लाइट, साथ में टेंट भी, लाइट, सब कुछ है, मतलब पूरा पैकेज आप बना के देंगे, क्या बात है। कैसे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह आपके यहाँ आके। ये सोहेल भाई हैं, ये यहाँ के ओनर हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा इन्होंने पूरा मेंटेन किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो इनका जो गार्डन है वो एकदम लश ग्रीन इनकी ग्रास है, साथ साथ में पीछे इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया है। इनके पास 2 टाइप की सीटिंग है, एक तो जैसे मैंने आपको बताया इनके रेस्टोरेंट का नाम है दस्तरखान, आराम से आपको बैठ के खाना खिलाएंगे, एक इनका रूफ टॉप है और एक इनका प्राइवेट डाइनिंग है। दस्तरखान है, नीचे बैठ के आपको पूरा दिखाते हैं कि ये किन एक कॉन्सेप्ट नया लेके आए यहाँ पे, आ जाएँ। तो देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त, या तो आराम से आपको बैठ के खाना खिलाएंगे। ये देखिए दस्तरखान के हिसाब से इन्होंने पूरा बनाया हुआ, यहाँ पे 6 से 8 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, पूरी इन्होंने कोजी सीटिंग दी है। देखिए आ जाए यहाँ पे, यहाँ 3 पोर्शंस है, मतलब 1, 2, 3, 6, 8 ये आराम से आदमी यहाँ बैठ सकता है। आपको बैठ के दिखाता हूँ मैं, और सबसे बड़ी बात ज़बरदस्त, आप आराम से यहाँ जूते खोलें, जूते खोल के और पलकती मांड के बैठ जाएँ, और फिर आप आराम से यहाँ अपने फैमिली के साथ एकदम एंजॉय कर सकते हैं। नहीं भाई वाकई में यार बहुत कंफर्टेबल है, तो नहीं चलें अब ऊपर देखें। चलो और इनका मेन्यू भी बहुत बड़ा है, पहले पूरा आपको दिखाते हैं। और नईम भाई ने यहाँ पे हमारे लिए 2-3 चीज़ें ऐसी भी बनाई है जो अभी मेन्यू में नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये स्टार्ट करेंगे, तो आप जब भी यहाँ पे आएँ तो आप वो भी इनसे फरमाइश कर सकते हैं, आपके लिए वो भी बना देंगे, नहीं बना देंगे ना। चलिए आ जाए, ये देखिए एक पोर्शन और है यहाँ पे। देखिए अगर जैसे आपको यहाँ पे दस्तरखान में नहीं बैठना तो एक पोर्शन और है इनका यहाँ पे। ये कितने लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे? 6 to 8 ये भी बैठ सकते हैं, मतलब 6-6, मतलब पूरा ये 4 में 6 से 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं। हम लोग रूफ टॉप पे आ चुके हैं, नईम भाई ने हमें पूरा नीचे का टूर कराया। अब हमारे साथ में यहाँ के जो कैप्टन है, क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आपका ये, मैंने पूरा लोकेशन देखा, पूरी रेस्टोरेंट देखी, और आप यहाँ ऊपर का पूरा मैनेजमेंट के साथ में देखते हुए, कितने लोग यहाँ, यहाँ का कवर कितने का ऊपर का? यहाँ का कवर 25 बैठ सकते हैं। और इन्होंने देखिए आप इंटीरियर काफ़ी अच्छे गेम है, और अब जब हम रूफ टॉप पर, इतनी अच्छी हवा आ रही है माशाल्लाह। देखिए आपको ये आप पूरी वॉल दिखाते हैं आपको यहाँ पे,
ये यहाँ पे भी इन्होंने पूरा बैठने का बनाया हुआ है, और यहाँ से आपको पूरा, आप यहाँ बैठेंगे तो आपको पूरा इनका जो प्रॉपर्टी है उसका पूरा व्यू आपको यहाँ मिल जाएगा। प्रॉपर्टी यहाँ देखिए पे बनाई हुई है और अभी 3-4 दिन ही हुए इनको बनाए हुए। यहाँ कितने, नहीं भाई, यहाँ कितने लोग बैठ सकते हैं? यहाँ पे, अपने फिर 12 से 11 लोग, 10 ट्वेल्व आराम से। टेन टू 11 लोग बैठ सकते हैं। आप देखिए, अब यहाँ आएंगे ना यहाँ पे इस तरफ, यहाँ से भी आपको पूरी प्रॉपर्टी का जो व्यू है वो मिलेगा। देखिए, आपको बताएंगे हम लोग यहाँ से। यहाँ लाओ उसमें इधर कैमरा, यहाँ से देखें आप तो यहाँ से क्या पूरी प्रॉपर्टी का आपको व्यू मिल जाएगा। देखिए, तो पूरी प्रॉपर्टी आपको दिखा दी। अब आपको ये बताते हैं कि अगर आपने कभी यहाँ 700-800 की पार्टी ऑर्गेनाइज की तो आपको 10 रूम यहाँ मिलेंगे, उसमें से एक रूम मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या बात, देखो रूम की जो साइज़ है वो देखो, एकदम नीट एंड क्लीन रूम है। यहाँ पे एसी सब में लगा, सब में एसी है ना, क्या बात है, ये सुविधा आपको यहाँ मिल रही है। बाथरूम देखें आप, लाइट बाथरूम देखिए एकदम नीट एंड क्लीन है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको ये रूम्स प्रोवाइड कर लें तो एकदम साफ सुथरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एकदम साफ सुथरा रूम्स आपको मिलेंगे। टीवी यहाँ लगा हुआ है और पूरा पैकेज के बारे में आप इनसे कांटेक्ट करते हैं कर सकते हैं। सोहेल भाई के नंबर डाल देंगे उसमें। अगर वैसे भी आप रेस्टोरेंट में आए तो आप खुद यहाँ पर्सनली विजिट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ क्या मैनेजमेंट है। जी सर, जी सर, चलिए नीचे चलते हैं, मेन्यू दिखाते हैं और फिर चलेंगे किचन में, फिर हम लोग ट्राई करेंगे। लोग यहाँ बैठेंगे। राफे आ गया क्या? अस्सलाम वालेकुम, कैसे वालेकुम सलाम। कैसा लगी लोकेशन, कैसी बहुत है? अच्छी बनाई हुई है माशाल्लाह, ज़बरदस्त है। जो हाँ उन्होंने गार्डन को सजा उनको जो सजाया और जो ऊपर डेकोरेशन वगैरह लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। अगर हम लोग 5-6 लोग होते तो हम लोग यहाँ बैठते, लेकिन ये हम लोग माशाल्लाह आज काफ़ी लोग हैं तो हम लोग, नईम भाई ने कहा कि ऊपर अपन बैठेंगे आराम से, नहीं वहाँ अच्छा रहेगा, ये अनकम्फर्टेबल हो जाएगा और हम ऐसा बुजुर्ग भी हैं तो वो ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं। चलिए सीधा ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के पूरा मेन्यू हैं दिखाते हैं, पता पूरा नहीं मेन्यू है। आपको दिखाते हैं। वैसे नईम भाई आज हमारे लिए स्पेशल क्या, वैसे हम लोग यहाँ पे चाइनीज़ थाल तो आपका ट्राई करेंगे, जी सर, उसके अलावा मेन्यू मेन्यू भी हम दिखा देंगे, लेकिन यहाँ नईम भाई ने बनाया बताया सोहेल भाई ने बताया कि इन्होंने 3-4 आइटम हमारे लिए जो भी मेन्यू में नहीं सेवन है वो से एट स्टार्ट आइटम किया आपके लिए स्पेशल बनवाया हुआ स्पेशल है, स्पेशल। कौन जो कौन से आज ही बनाए हुए स्टार्ट हैं? कर रहे हैं अपन जो लोग। अच्छा आज ही स्टार्ट बहुत करेंगे, सारे मेन कोर्स में, एक तो चिकन लाहौरी, एक तो चिकन लाहौरी जो मेन्यू में नहीं है हमारे लिए इन्होंने स्पेशल बनाया है। और भैया, चिकन लाहौरी तंगड़ी है, हाँ ब्रेड में रोगन गोश्त कश्मीरी है, ठीक रोगन गोश्त है, और कश्मीरी राइस, है, राइस में है अपना चिकन कश्मीरी, अपना समारोह हाँ ग्रीन स्पेशल बिरयानी, स्मोकी जो बिरयानी इस है। स्मोकी बिरयानी, ये 3 चीज़ें इन्होंने अभी हमारे लिए बनी है। और स्टार्टर में क्या देंगे आप? स्टार्टर में अपना चाइनीज में है अपना कुरकुरे सर, कुरकुरे और देंगे, हांगकांग है, हांगकांग देंगे, ठीक और है, साथ में हमारा जो चाइनीज़ साथ फिश में अपना प्लेटर तंदूरी स्टार्टर भी दे रहे हैं दो आपको स्पेशल, जो स्पेशल हमारे लिए हाँ सर बनाए दो आपने, कौन आपको कौन से स्पेशल, हैं? एक तो टैंगो कबाब है टैंगो कबाब, और एक पाइनएप्पल टिक्का है, पाइनएप्पल टिक्का। जी सर, तो ये इन्होंने 3 तो इन्होंने मेन कोर्स हमारे लिए स्पेशल बनाए और 2 इन्होंने तंदूरी स्टार्टर्स हमारे लिए स्पेशल बनाए जो भी मेन्यू में नहीं है। हम लोग टेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे कैसा लगा। आप आएँ तो वो स्टार्टर भी ले सकते हैं। तो उसका देखिए ये दस्तरखान का जो मेन्यू हमारे सामने है, देखिए सबसे पहले इनके पास सूप्स, सूप्स भी ट्राई करेंगे। नहीं भी हम लोग सूप भी पीते हैं, सूप हमारा फेवरेट है। यहाँ पे आपने बेस्ट सूप कौन सा है? नहीं सब आपके बेस्ट यहाँ है पे अच्छा, अपना, सारा अच्छा सारे है। बेस्ट है सर ये अपना, चिकन स्पेशल दस्तखान सूप भी ज़बरदस्त लग रहा है। नहीं जी सर, देखिए पूरा सूप का डिपार्टमेंट आपको दिखाते हैं। नॉन वेज में इनके पास 3 है, वेज में 3 है, चाइनीज़ प्लेटर इनके पास मिल जाएगा। देखिए जैसे नहीं मैंने बताया कि चिकन कुरकुरे हमारा बहुत स्पेशल है, साथ साथ में हांगकॉन्ग चिकन का बहुत फेमस है। फिर आप आ जाएँ चाइनीज, इनके पास जो फ्राइड राइस है वो भी काफ़ी सारे हैं। उसके बाद फिर आप आ जाएँ इनके पास नूडल्स में भी काफ़ी सारे वैरायटी, और जिस हिसाब से इनकी लोकेशन है उसके हिसाब से अगर प्राइस कंपेयर करेंगे तो काफ़ी रीजनेबल है, बिकॉज जिस हिसाब से इन्होंने पूरा रेस्टोरेंट बनाया है और इतनी सारी फैसिलिटी आपको ये लोग आपको दे रहे हैं तो उसके हिसाब से प्राइसिंग बहुत ज़बरदस्त है। फिर इनके पास जो तंदूरी का जो डिपार्टमेंट है वो, इनका अल्फाम बहुत अच्छा है जो कि मैंने बहुत नाम सुना है इसका, अल्फाम चिकन का। तंदूरी टिक्काज इनके पास हो उसके जाएंगे, बाद आप आ हमारे जाएँ पास इनके पास वेज स्टार्टर आपको मिल जाएंगे। हाँ ये प्लेटर के बारे में मैं कह रहा था, देखिए जो इनकी जो स्पेशलिटी है ना, यहाँ तो हमेशा मिलेगी आपको। 850 रुपये में ये आपको प्लेटर दे रहे हैं, 2 प्लेटर 850 के और 1 800 का। इसमें एक प्लेटर में कितने लोग खा सकते हैं? सर, एक प्लांटर के अंदर इसमें सर 3 जने सफिशिएंट रहता है भोजन के लिए, सफिशियंट रहते हैं, जी मतलब सर, 3-4 लोग आराम से तीन खा चार लोग सकते हैं। ये आराम से। देखिए तो पूरा ये मेन्यू आपको दिखा दिया, मेन कोर्स में देखिए, मेन कोर्स में भी इनके पास वैरायटी देखो यार आप, प्राइसिंग देखिए फुल आपको ये दे रहे हैं 600 के आसपास, वाकई में प्राइसिंग काफ़ी रीजनेबल है। उसके बाद मटन आपको मिल जाएगा, रोल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, फिश फिश मिल जाएगी, फिश भी अवेलेबल है अभी, सब फिश नहीं है ना, मौसम के हिसाब से अभी जब विंटर्स आएंगे तब अवेलेबल होगी। उसके बाद आप देखिए राइस इनके पास में, वेज मेन कोर्स आपको मिल जाएगा, दाल मिल जाएगी, रायता मिल जाएगा, हाँ सैलड्स मिल जाएंगे, डेजर्ट भी इनके पास में, ब्रेड्स हैं इनके पास में, खमीरी रोटी भी है वो भी मिल जाएगी, जी सर, क्या बात है यार ज़बरदस्त।
तो चलिए पूरा मेन्यू आपको दिखा दिया है। तो बस हम लोग इनके किचन में आ चुके हैं, कितना बड़ा किचन है। नहीं भाई एक बार थोड़ा गाइड कर दो ना, ये अपना कौन सा सेक्शन है, ये वेज का पूरा। देखो वेज का सेक्शन पूरा अलग है, वेज का इनका फ्रिज भी अलग है। बहुत सी जगह क्या होता है फ्रिज अलग नहीं होता है, यहाँ पे इनका वेज का पूरा फ्रिज भी अलग है और यहाँ पे पूरा ये वेज सर्व कर रहे हैं। क्या नाम है आपका शेफ? रतन सिंह जी। तो आप पूरा वेज का डिपार्टमेंट देखते होंगे ना, क्या बात है, कभी वेज भी ट्राई करेंगे हम लोग। और ये इनका देखिए यहाँ पे ये इनका नॉन वेज के जो स्टार्टर्स देंगे हमने, एक तो इनका पाइनएप्पल टिक्का ऑर्डर किया था, देखिए पाइनएप्पल टिक्के की तैयारी हो रही है। और एक हमने टेंगू कबाब का ऑर्डर किया था, टेंगू का मतलब होता है थोड़ा बहुत ये खटासपन देंगे क्योंकि ये ऑरेंज जूस करेंगे इसमें ना, हाँ, तो आकी वो टेंगी टेस्ट आपको मिल चुके। देखिए ये दोनों की तैयारी होती है, हमारे सामने बनाना भैया, जब तक मैं अंदर दिखा देता हूँ। ये आपका ये नॉनवेज का फ्रिज भी इनका अलग है और यहाँ पे ये पूरा इनका मेन कोर्स का जो भी डिपार्टमेंट है चाइनीज़ वो आगे से देंगे। और देखिए शेफ ने पूरी एकदम ड्रेस में है, कैप वैप सब लगाई भी है। ये चाइनीज़ का डिपार्टमेंट देखिए, इन्होंने शिमला मिर्च और एकदम फ्रेश ही कट की, ऐसा नहीं कि इन्होंने पहले से कटिंग करके, देखिए चाइनीज़ की कटिंग अभी इन्होंने की एकदम फ्रेश। इनका जो चोमक है वो भी एकदम नीट एंड क्लीन है, देखिए पूरा ये पेस्ट वेस्ट सब इन्होंने नीट एंड क्लीन काम करें। और यहाँ देखिए ये इनका जो इंडियन का जो मेन कोर्स है वो यहाँ से सर्व करेंगे, फ्रेश ग्रेवी इनकी। और ये पूरा इन्होंने डिपार्टमेंट रेडी है। तो नईम भाई सबसे पहले अपन वहाँ से चालू करते हैं, अपने जो स्टार्टर्स हैं वो ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर चाइनीज़ और फिर शेफ आपसे बनवाएंगे हम लोग, ठीक है? ओके। तो शेफ पहले आप कौन सा कबाब बनाएंगे हमारे लिए? पाइनएप्पल बनाएंगे। क्या नाम है आपका? इमरान साहब। इमरान साहब बनाए पाइनएप्पल टिक्का। तो ये पहले देखिए टिक्का ये करेंगे, देखिए टिक्का टिक्का का इन्होंने मैनेजमेंट किया हुआ है, ये देखिए देखिए दो टाइप के इन्होंने इसमें ये किए हुए, देखिए ये और ये दोनों, ये दोनों आपने पहले से इसमें क्या क्या गए हुए मसाला? चीज़ क्रीम गए हुए हैं, हाँ क्या बात है। इसमें ये देखिए दोनों, एक प्लेट में कितने पीसेस आएंगे शेफ? 6 पीसेस आएंगे। ये देखिए इमरान भाई ये पाइनएप्पल भी आप इसको करेंगे रोज? हाँ क्या बात है माशाल्लाह। कितना टाइम हो गया इमरान भाई आपको काम करते हुए? 4 साल से आप काम कर रहे हैं, ठीक है। जब से हमारे तंदूरी स्टार्ट होते हैं हम लोग इनका चिकन कुरकुरे इन्होंने बनाया, देखिए इन्होंने ब्रेड क्रम्स के ऊपर इसमें रैप किए हैं और चिकन के लंबे ने भी लंबी स्ट्रिप्स इसमें काटी है। ब्रेड क्रम्स के साथ में आपने कॉर्नफ्लेक्स भी यूज़ किया है क्या इसमें? हल्का कॉर्नफ्लेक्स, हाँ ये देखिए, उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है। हाँ क्या बात है, ये देखिए। आपका क्या नाम है शेफ? मेरा नाम शाहबाज आलम। हाँ शाहबाज आलम है, क्या बात। कितना टाइम हो गया अपने काम करते हुए? 12 साल हो गए, क्या बात है, एक्सपीरियंस है यार आपको ज़बरदस्त। ये पाइनएप्पल टिक्का, ये देखिए क्या बात है, ये देखिए पाइनएप्पल टिक्का है हमारा रेडी हो गया। इसको इसमें जो इन्होंने जो सॉस जो तैयार की है उसको इसमें पूरा मैरिनेट करेंगे, ये देखिए। तो ये एक प्लेट में 6 पीसेस आते हैं ना? हाँ ये देखिए, थोड़ा गरम करेंगे ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। इसमें चीज़ है ना शेफ? चीज़ है ना? हाँ हाँ, ये टेंगो कबाब है ना, ये देखिए ये देखिए, ये थोड़ा बहुत टैंगी रहेगा, खट। ये देखिए ये दोनों हमारे जो इसको गर्म होने देते जब तक अपन अंदर चलते हैं, जो कुरकुरे चिकन कुरकुरे वो रेडी है, देखिए ये देखिए। चलो इसको चल इसको ट्राई करते हैं, ये देखिए पूरा ये बटर में बनाएंगे, देखिए हांगकॉन्ग चिकन, क्या बात है यार ज़बरदस्त। हाँ सारे मसाले डाले आपने, देखिए पूरा बटर में फ्राई करेंगे, देखिए क्या बात है, खुशबू आ रही है यार ज़बरदस्त। ये देखिए गर्म हो चुका है ये, और ये हमारा पाइनएप्पल टिक्का पाइनएप्पल में सर्व करेंगे, ये देखिए क्या बात है ज़बरदस्त। ये जो प्रेजेंटेशन है ना वाकई में काबिल तारीफ है, क्या बात है यार ज़बरदस्त। और ये ऊपर से जो उसकी जो ग्रेवी है वो रैप कर देंगे। फिर ये हमारा टेंगू कबाब का ना, थोड़ा बहुत पाइनएप्पल इन्होंने ग्रिल किया इसमें, ये देखिए ये पाइनएप्पल के साथ में पूरा सर्व होता है, नहीं ये देखिए पूरा ये हमारा पाइनएप्पल जो टिक्का है वो रेडी है। अब ये हमारे टेंगू कबाब की बारी है, और साथ साथ में नईम भाई क्या बताए थे कि कोई भी कस्टमर आता है तो हॉट डॉग कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब जैसे अगर 5 लोग हैं तो 5ों को मिलेगा, क्या बात है। तो ये ऑफर चल रहा है अभी, ठीक है, तो ये इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलेगा। ये अपना टेंगो कबाब,
ये देखिए ये ऑरेंज में सर्व हो रहा है बिकॉज ये थोड़ा बहुत टैंगी है, तो उन्होंने पूरा ऑरेंज का इसमें एम्बियंस दिया इसमें। ये देखिए क्या बात है, क्या बात है, इसका कलर एकदम चेंज हो गया यार। अब इसको अपन सॉस में टॉस करेंगे शेफ नहीं। ये देखिए हमारा जो चिकन बोनलेस है वो पूरा इन्होंने फ्राई कर दिया और ये पूरा बटर में इन्होंने किया। कलर देखो यार क्या ज़बरदस्त कलर। अब इसको अपन जो चाइनीज़ की जो सॉस होती है उसमें इसको टॉस करेंगे और ये देखिए पूरा ये वापस वही बटर यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो चिकन के जो जूस है ना वो सब इस बटर में आ चुके हैं और टेस्ट इसमें बढ़ जाता है। ये देखो हाँ, क्योंकि आप अमूल बटर यूज़ कर रहे हो ना, अमूल बटर में थोड़ा बहुत वो नमकीन होता है, अगर वो डिलीशियस यूज़ करते हैं तो वो इतना नमकीन नहीं होता है। गलत तो नहीं बोल रहा शेफ, क्या क्या डाला चाहिए आपने? शिमला मिर्ची डाली है और क्या इसमें, लाल मिर्ची, थोड़ा बहुत अदरक, इसको थोड़ा बहुत भुनेंगे हम लोग, पूरा बटर में भुन रहे हैं ये। हमने ऐसे भुना है ये पूरा, कभी कभी होते हैं कि जल्दी में भुनते हैं तो उसमें बदबू आती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूरा भुना है। ये दो तीन टाइप की सॉस इसमें यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें हमारे जो चिकन है वो चली गई, ये देखिए देखिए ये हमारा हांगकांग चिकन रेडी है। ये देखिए इसको पूरा क्रीम से गार्निश करेंगे और ये हमारा जो हांगकांग चिकन है वो भी रेडी है। चलिए ऊपर चलते हैं। प्राइस से मैंने आपकी नई बहन ने बताया था कि कोई भी कस्टमर आएंगे अगर 10 लोग हैं तो 10ों को हॉट डॉग ही मिलेगा। ये भी इनका कॉम्प्लीमेंट जो ऑफर चल रहा है, देखिए ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आपको। ये चिकन का है ना, अगर 10 लोग हैं तो 10ों को मिलेगा, तो ठीक है ये भी बहुत अच्छा ऑफर है। आप कभी आएँ तो आप इनसे ये भी ऑफर अवेल कर सकते हैं। चले नहीं भाई ऊपर चले, ये देखिए, ये देखिए क्या बात है। तो ये हमारा हांगकांग रेडी हो चुका है। बताया था मैंने कि इनका जो हॉट डॉग ये सबको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, अभी इनका ऑफर चल रहा है। चले इसको डिप करते हैं इसमें। मस्त यार, अब बारी है चिकन कुरकुरे की। देखिए इन्होंने शेजवान सॉस इसके साथ दिए, ट्राई करते हैं। मस्त यार, इन्होंने ऊपर से तो काफ़ी क्रिस्पी है और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है। सबसे बड़ी बात, कभी कभी क्या करते हैं कि जैसे अगर ये फ्राई करते हैं तो चिकन काफ़ी चुई हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं। देखिए आपको तोड़ के दिखाता हूँ, देखो इतना सॉफ्ट है, चुई बिल्कुल भी नहीं हुआ है, माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त मुझे लगा। ये ख़त्म करते हैं, उसके बाद हमारे जो तंदूरी स्टार्टर्स वो आने वाले हैं। चलिए ये पूरा चीज़ें ख़त्म करते हैं और ये पूछते हैं कि कैसा लगा हांगकांग चिकन। जैसे मैं सही बताऊँ, जैसे मैंने स्पून से इसमें लिया ना, जो खुशबू आई है ज़बरदस्त और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। पूरा बटर में बना हुआ यार, देखो इसको इनकी जो प्रिपरेशन है वो देखिए। ये एक सॉरी ये पाइनएप्पल टिक्का है, साथ साथ में इन्होंने पाइनएप्पल भी रोस्ट किए हैं थोड़े बहुत, और ये इनका टेंगू कबाब है। चलिए पहले फ़ोटो खींचते हैं उसके बाद बात करते हैं। रोस्ट किया है वो ट्राई करता हूँ। मस्त है यार माशाल्लाह। अब इनका जो पाइनएप्पल जो टिक्का है वो ट्राई करते हैं, इनकी सॉस लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लोग सब जगह जो टिक्काज में जो बोनलेस यूज़ कर रहे हैं वो लेग बोनलेस यूज़ करते हैं। जैसा आपको बताया कि अपन शदाब कबाब में भी लेग बोनलेस यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, लेग बोनलेस में क्या फ़ैट काफ़ी सारा होता है, फ़ैट होने की वजह से ये अगर आप उसको रोस्ट करते हैं तो चुई नहीं होता है। जबकि अगर आप चेस्ट बोनलेस की बात करेंगे तो वो ड्राई होता है, वो उसमें खाने में इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन लेग बोनलेस बहुत सॉफ्ट होता है। एक नंबर टिक्का यार माशाल्लाह, इसमें चीज़ भी है, क्रीम भी है, और जो मैरिनेशन किया है ना मसालों का, वाकई में जायकेदार।
क्या भाई कैसा लगा टैंगी? बहुत ही जबरदस्त खा लिया क्या यार? खा लिया, मैं तो वेट ही नहीं हो रहा था। बहुत ही टेस्टी है, मतलब आपको आके ट्राई करना ही चाहिए। कट तो ले ले, लेकिन सूप भी ये लेके आ गए, सूप का भी रिव्यू कर दे। आपने बोला ना सूप का, तो नीचे किसी ने अच्छा दे दिया ऑर्डर उन्होंने, चलो कोई बात नहीं। तो यार यह आपको आना चाहिए, इनकी लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सकें, ये सब मिलेंगे। तो चलिए सूप भी ट्राई करते हैं। और सूप को आपको मैंने सिखाया कि सूप कैसे पीना चाहिए। नहीं, सूप का जो चम्मच है ना वो भी थोड़ा अलग किस्म का होता है, आप कभी भी नोटिस करेंगे सूप का जो चम्मच होता है वो थोड़ा ज़्यादा डिप होता है, बिकॉज आपको उसको ऐसे ऐसे करके पीना पड़ता है। मस्त है यार। नहीं भाई, आपने आज जो स्टार्टर्स मेरे लिए लगाए ना, वाकई मैं काबिल तारीफ। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टर्स तो ट्राई कर लेते हैं। नहीं भाई, अब ये आप जो चाइनीज़ थाल लेके आए इसमें क्या क्या है आप बताएं हमें। ये चिली चिकन बोनलेस आ गया, जो आपके ये भी आपके लेग बोनलेस में बना हुआ है ना। हाँ, और ये लॉलीपॉप है, चिकन फ्राइड राइस, और ये नूडल्स। तो ये सब चीज़ें हम लोग ट्राई करेंगे। ये फ्राइड राइस भी डालते हैं थोड़े से मुझे, और थोड़ी सी नूडल्स। आपको याद होगा अपने वो अभी अपने एक तो अपने अपन मकराना गए थे, वहाँ का हमने थाल ट्राई किया था, एक बासनी का ट्राई किया था। दोनों का थाल बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे अब आपको इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर ये चीज़ ट्राई करनी तो आपको दस्तखान पे आना पड़ेगा। सबसे पहले इनका हम लोग ये जो थाल था उसका चिली चिकन ट्राई करते हैं। ये देखिए पूरा गल गया इसको। मस्त है यार, इन्होंने जो सॉस जो यूज़ किए वो ज़्यादा नहीं किए। कभी कभी क्या होता है अगर चाइनीज़ की बात करते हैं तो उसको सॉस में इतना लबालब कर दे रहे हैं कि मज़ा नहीं आता, लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्त चिली चिकन वाकई में काबिल तारीफ था। अब हम लोग ट्राई करते हैं इनका लॉलीपॉप। और आप यकीन माने जो जो चीज़ें हमने खाई ना कोई भी चुई नहीं थी, है ना राफे? मतलब आप जूसी था। आपके मुंह में कोई भी घूम नहीं रहा था, क्योंकि वो इसलिए एक तो ये लेग बोनलेस यूज़ कर रहे हैं और सारी चीज़ एकदम फ्रेश थी, इन्होंने मैरिनेशन की है। मज़ा आ गया यार। ये लॉलीपॉप के भी आप देखें, लॉलीपॉप में क्या है जो ऊपर से जो कोट करते हैं ना कभी कभी वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर कच्चा रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इन्होंने परफेक्टली इसको कोट किया है, अंदर तक पूरा पक चुका है और टेस्ट वाकई में लाजवाब है। अब जो नूडल्स और जो फ्राइड राइस की बारी है वो राफी साहब आपको रिव्यू करेंगे। फ्राइड राइस और नूडल्स भी माशाल्लाह बहुत टेस्टी है, चावल भी एकदम खुले खुले हैं, तो चिकन और सब इसमें ऐड किया हुआ, मसाला एकदम परफेक्ट है, बहुत ही टेस्टी है। कर लिए। अब शेफ बनाएंगे हमारे लिए मेन कोर्स, क्या बनाएंगे आप पहले बताएं? ओरिजिनल लाहौरी टंगड़ी। लाहौरी टंगड़ी बनाएंगे आप, चलिए बनाएं। ये पूरा उसमें जाएगा ना, टंगड़ी में जाएगा? जी जी। और दो जो है वो फिर हम लोग शूट नहीं करेंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए देखिए, देखिए आखिरी मिर्ची इसमें डाल दी, आखी आखी मिर्ची ना सूखी भी। ये देखिए ये प्याज और मिर्ची की कटिंग, ये देखिए थोड़ा बहुत ऑयल। और देखिए एकदम इनका काउंटर एकदम नीट एंड क्लीन है, इससे साफ सुथरी जगह होती है तो मज़ा भी आता है। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट चला गया, ये देखिए साबा जीरा चला गया इसमें, पाउडर हल्दी पाउडर ना यूज कर दो ना थोड़ा बहुत। हाँ ये देखिए वाइट वाइट ग्रेवी और प्याज की ग्रेवी दोनों मिक्स करेंगे इसमें। वाइट ग्रेवी तो आपने मगज और काजू वो सब डाल के बनाएंगे, तिल विल सब डाल के। हाँ सब के लिए सॉल्ट, सॉल्ट चला गया, गरम मसाले चले गए, चिली पाउडर चला गया, वाइट पेपर, ये कोरिएंडर, ये देखिए अमूल बटर भी इसमें चला गया, इतना सारा क्या बात है माशाल्लाह।
अभी उन्होंने हांगकॉन्ग चिकन भी बनाया था, उसमें जो टेस्ट आया था ना अमूल बटर का, वाकई में काबिल तारीफ था। इसमें हम लोग ये टंगड़ी इसमें डाल देंगे। पूरी ग्रेवी तैयार है हमारी। लाहौरी टंगड़ी रेडी है। कलर देखो यार इसका, एकदम बुनावा बनाया शेफ ने। नहीं चलिए इसको ट्राई करते हैं। ये देखिए तो चलिए इसको हम लोग ट्राई करते हैं। रेडी शेफ ये? क्या बात है, ज़बरदस्त। खमीरी की खुशबू आ रही है यार, मतलब आप यकीन माने मेरे को अभी जोधपुर में प्रॉपर खमीरी मैंने कहीं नहीं खाई है, लेकिन यहाँ पे मैं आया हूँ दस्तरखान में, रोटी की खुशबू आ रही है, खुशबू आवत है। नहीं भाई मज़ेदार यार, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपको और तरक्की अता फरमाए। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं हम लोग, खमीरी रोटी के साथ में लाहौरी टंगड़ी। कॉम्बिनेशन है रफ है, यस। चलो देखिए पूरी ये गल चुकी है, एकदम टेंडर हो गई है। देखिए टेंडर एकदम, लुक एकदम टेंडर। ड्रमस्टिक है, ड्रमस्टिक यूजुअली बहुत मुश्किल से गलती है, बिकॉज ऊपर जो जो हड्डी होती है उसके से नहीं गलती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा मामला नहीं है। इसको ट्राई करते हैं। मज़ा आ गया यार। क्या रफी साहब कैसा लगा? बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ा लगा। खास करके जो रोटी ये तो ज़बरदस्त है, यहाँ पे जोधपुर में तो ऐसी मैंने कभी नहीं खाई। खमीरी रोटी यार आपको खानी है तो आपको यहाँ आना चाहिए वाकई में। इनकी ये बारी है देखिए, और इनका जो स्पेशल जो बिरयानी है वो देखिए इन्होंने क्या, ये कोयले के धुन से इन्होंने पूरे इसमें खुशबू दी है। इसको हम हटा देते हैं, ये देखिए। और ये देखो चावल एकदम खिले खिले से हैं यार, वाकई में। देखो ये देखो ये देखो, इसको हम लोग ट्राई करते हैं। चावल लेके खिले खिले से हैं और खुशबू आ रही है यार वाकई में, बिरयानी में एकदम खुशबू आवत है। तो चलिए इस बिरयानी ट्राई करते हैं। बिरयानी ये देखो। तो चलिए बिरयानी की बारी। देखिए चावल, आपको चावल दिखा, देखो चावल सारे एकदम खिले खिले से। इन्होंने मुझे लग रहा है कि काफ़ी देर तक इन्होंने पकाने से पहले इसको सोक किए पानी में, जिसके वजह से एकदम खिल गए हैं चावल। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। मस्त यार, बिरयानी का मज़ा कब आता है जब बिरयानी एकदम गीली हो। मतलब कभी कभी क्या होता है एकदम सूखी सूखी बिरयानी बनाते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा मामला नहीं है। जो चीज़ भी हमने खाई ना, ऐसा नहीं है कि हमने इतनी सारी, आपने देखा होगा वीडियो में कि हमने कितनी सारी चीज़ें ट्राई की, सारी लाजवाब थी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये देखिए ये कलर देखो यार, क्या बात है माशाल्लाह। ये कश्मीरी मटन रोगन गोश्त है, क्या बात है मुझे। और ये सबसे बड़ी बात, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इन्होंने जो भी मसाले यूज़ किए ना वो टॉप क्वालिटी के थे। कोई भी ऐसा नहीं कि ज़्यादा मसालेदार इन्होंने कुछ बनाया। चलिए बिरयानी ख़त्म करते हैं, उसके बाद मटन रोगन गोश्त ट्राई करते हैं और फिर हम लोग वीडियो ख़त्म करेंगे। बस इनका कश्मीरी मटन रोगन गोश्त है वो ट्राई करते हैं। देखिए मटन एकदम टेंडर है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए एकदम टेंडर, ये बोनलेस पीस है मेरा, ये देखिए पूरा गल गया माशाल्लाह, ज़बरदस्त। चलो उसको ट्राई करते हैं। हाँ मज़ा आ गया। तो राफे साहब कैसा रहा आपका यहाँ पे? ओवरऑल एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त था। कुछ कुछ आइटम तो ऐसे हैं जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, जैसे कि खमीरी रोटी हो गई और जो उनका हांगकॉन्ग चिकन था वो भी बहुत ही टेस्टी था, और इनका जो पाइनएप्पल चिकन था ना, और जो पाइनएप्पल टिक्का था, जो टैंगी कबाब थे, वो सब माशाल्लाह थोड़े से अलग टाइप के उन्होंने टेस्ट देने की कोशिश की। उसमें थोड़ा बहुत खटासपन था बिकॉज टैंगी उन्होंने वो ऑरेंज का कुछ फ्लेवर यूज़ किया था उसमें। बाकी ऑल ओवर सारा जो भी हमने खाया ना माशाल्लाह, चाइनीज़ स्टाइल तो चाइनीज़ के इनके जो स्टार्टर्स है ना वो तो एक नंबर है। बिरयानी भी ज़बरदस्त है, सब कुछ ज़बरदस्त है। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर एंड में जाके हम लोग वीडियो ख़त्म करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा हमारा,
और आप यकीन माने जो दस्तरखान पर हमने खाना खाया ना वाकई में लाजवाब। यूजुअली मैं वही वीडियो करता हूँ, खत्म करता हूँ, लेकिन आज मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मतलब एक क्लिप बना रहा हूँ कि आप वहाँ पे जरूर जाएं। उस जैसे खमीरी रोटी, रोगन जोश आपको पूरे जोधपुर में कहीं नहीं मिलेगा। खाना बहुत ज़बरदस्त है, नई मई का नेचर बहुत अच्छा है, जो सोएब भाई जो ओनर है उनका ज़बरदस्त नेचर है माशाल्लाह, बहुत बहुत उन्होंने हमारी पूरी खिदमत की, अल्लाह ताला उनको और तरक्की अता फरमाए माशाल्लाह। बस यही सबसे रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर वहाँ विजिट करें, आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए बस यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।